देखिए, नगर निगम फिरोजाबाद जब बना और उसके बाद जब पहली बार नगर निगम में नगर निगम की सीट पर चुनाव हुआ, तो यहाँ मैं और मेरा सदन पूरा जो 70 पार्षद हैं नवनिर्वाचित, जिन्होंने पूरी तत्परता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ शहर के विकास के लिए काम किया। और उसी कड़ी में जब बात आई स्मार्ट सिटी की, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं चुनाव लड़ रही थी इस शहर में, और जो हमारा संकल्प पत्र था उसमें एक संकल्प हमारा ये भी था कि हम शहर को स्मार्ट बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बहुत सारे संकल्प थे जिनको पूरा किया, और मुझे लगता है कि बहुत ही अवेटेड, जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी में आए। तो जब 7 शहर राज्य स्मार्ट सिटी में चुने गए, उसमें हमारा शहर फिरोजाबाद भी था, और राज्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमारे नगर निगम फिरोजाबाद को, नगर निगम को 2 प्रोजेक्ट मिले, एक ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा स्मार्ट रोड। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारे तत्कालीन नगर आयुक्त थे विजय कुमार, उनके समय सन 19-20 की अगर हम बात करें, तो स्मार्ट रोड का जब चयन हुआ तो सबसे पहले जो मन में आया मेरे मन में, कि जो शहर का मुख्य मार्ग है, जो हमारे बस स्टैंड को और रेलवे स्टेशन को जोड़ता है, जिसपे सबसे ज़्यादा यात्री और सबसे ज़्यादा जनता निकलती है, सबसे ज़्यादा यातायात है, तो उस शहर उस सड़क को क्यों ना स्मार्ट रोड में लिया जाए, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा जैन मंदिर से लेकर विवेकानंद चौराहा होते हुए, रेलवे स्टेशन से होते हुए पुलिस चौकी की जो तिकोनिया है वहाँ तक का ये मार्ग है 1700 मीटर लंबाई का, जिसका कार्य स्वीकृत किया गया। और मैं आपको बता दूं, इसमें दोनों साइड के जो नाले हैं उनका नवनिर्माण होना है, फुटपाथ बनेगा ताकि जो पैदल यात्री हैं, जो साइकिल वाले यात्री हैं, वो आराम से निकल सकें। फुटपाथ पर ग्रीन बेल्ट का भी डेवलपमेंट होना है। और जैसा कि आपने देखा है कि हमारे शहर में पूर्व में जो बीच में डिवाइडर स्थापित है उसको मरम्मत किया जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उस पर विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही साथ हमारा जो रोड डेवलप होना है, जिस पर प्रकाश की उचित व्यवस्था होगी, जो डेकोरेटिव पोल्स होते हैं उनका स्थापन किया जाएगा। और जो सबसे प्रमुख बात है, जो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो वायरिंग हमारी आसमान में दिखाई देती है ऊपर की साइड, उन सबको भूमिगत किया जाएगा, जिसमें 20-20 मीटर की दूरी पर जो फुटपिल हैं वो बनाए जाएंगे, और जिसमें एक पाइप डाला जाएगा जिसके अंदर से होकर सारी वायरिंग गुजरेगी। तो मुझे लगता है कि अब तक का इतिहास का फिरोजाबाद का सबसे अच्छा काम, सबसे यादगार काम होने जा रहा है। और इस कार्य का शिलान्यास, जैसे कि आप सभी ने देखा, हमारे माननीय मुख्य अतिथि ठाकुर जयवीर सिंह जी, कैबिनेट मंत्री, जिनको मैंने आमंत्रित किया इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए, एक हवन पूजन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ आप सब लोगों की ने देखा, आप सबके सामने हुआ, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। कई लोग आए शहर के, मैंने स्वयं पिछले 4-5 दिन से, मैं और मेरे नगर आयुक्त श्रीमान घनश्याम मीणा जी लगातार इस कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं, लगातार PWD विभाग के साथ बैठकें कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएं। और आज ये मेहनत सफल हुई है क्योंकि एक एक व्यक्ति को जो फ़ोन गया, शहर के प्रबुद्ध लोग, हमारे माननीय पार्षदगण, कार्यकर्ता बंधु और सामाजिक लोग, सभी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सभी जो मेरे अतिथि थे जिनको मैंने आमंत्रित किया, और सभी मेरे जो एक कॉल पर आए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मेरे आमंत्रण को स्वीकारा। इस कार्य की कुल लागत लगभग 31 करोड़ रुपए है। आज माननीय मंत्री जी श्री जयवीर सिंह जी ने हमारे जो स्मार्ट रोड है उसका उद्घाटन किया है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो ये स्मार्ट रोड है ये 1.7 किलोमीटर है, इसकी कुल लागत 31 करोड़ है। इसके अंतर्गत जो वर्तमान रोड है उसको चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा, दोनों साइड ड्रेनेज पिट्स बनाए जाएंगे, और कई जगह पेमेंट जो रास्ता जो होता है फुटपाथ वो भी बनाया जाएगा। ईस्ट जो रिक्शा है उसके स्टैंड की भी इसमें व्यवस्था की गई है, और भी ऐसी कई सारी जो तकनीकी और सुधार किया गया है ताकि जो आम जनता है, जो शहरवासी हैं, उनको अच्छी सुविधाएँ हम लोग दे सकें। और ये जो हमारी शहर है उसके लिए एक मील का पत्थर, जो हम कहते हैं ना, मील का पत्थर साबित होगा, और आने वाले दिनों में जो हमारे लोग हैं शहर के, उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सर्वांगीण विकास के लिए, लोग इसके कार्यों के लिए अनुशासन देने के लिए कटिबद्ध है। फिरोजाबाद का संपूर्ण विकास हो, इसके लिए हम लोग पूरा
प्रयास कर रहे हैं। आज हम बधाई देना चाहते हैं, बहुत बड़ी परियोजना ये नियत समय में पूरी हो और सप्ताह के साथ पूरी हो ऐसा किया गया। मैं समझता हूँ कि पूरे नगर के लिए, जिले के लिए।